गाइस सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अभी अभी, मैं और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फाइनली गाइस मंदिर पहुंच चुके हैं और कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, जय बद्री विशाल। फाइनली गाइस बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, ये पेट्रोल पंप बन रहा है बद्रीनाथ में। अभी मेरी आवाज़ इसलिए ऐसी आ रही होगी बिकॉज आपको मैंने पहना हेलमेट, ये देखो मैंने पहना हेलमेट, में गाड़ी चला रहा था बहुत मुश्किल से आई गाड़ी ऊपर गाइस, खड़ी रास्ता चढ़ाई थी एकदम, और पत्थर पत्थर पत्थर, फर्स्ट सेकंड भी नहीं कम फर्स्ट। और ये मार्केट है यहाँ का बद्रीनाथ का, अब लेते हैं रूम, उसके बाद देखते हैं आगे किसी, ठंडा यहाँ पे भी बहुत है, तो अब रूम लेंगे गाइस। यहाँ पे मंदिर उधर है देखो आगे गाइस, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अभी अभी, मेडिसिन लिए सांस बिल्कुल आ ही नहीं रही है, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इतनी केदारनाथ में भी ठंड नहीं लगी जितनी यहाँ लग रही है। और ना गाइस वीडियो अपलोड हो रही है, शाम को लगाई थी, अपना 5G मिला ही नहीं कहीं, तो अभी प्रोसेसिंग रह गई, अपलोड तो हो गई है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में। टाइम हो गया है 6:54, टेम्परेचर ऐसे चल रहे हैं -10 -12 degrees, बट कोई नहीं, चलते हैं मंदिर पहले, हल्के हल्के चल रहे हैं, जल्दी नहीं दर्शन करते हैं, बहुत सी हालत डाउन हो गई आज तो। और वीडियो अपलोड होने वाली है, 6:54 हो रखे हैं, आई थिंक 7 बजे तक, 7:15 तक अपलोड हो जाएगी। हमें मेडिसिन गाइस मंदिर पहुंच चुके हैं और कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, जय बद्री विशाल। ये देखो कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, ये देखो सनी भाई रियलिटी बताना कैसा लग रहा मंदिर, रियलिटी बताना देखो बिल्कुल दाई कैसा लग रहा मंदिर, एकदम सच्चाई बताना, एक नंबर ना जन्नत, जन्नत गाइस। फोटो में ही देखा था, उसमें ऐसा नहीं था कि इतना सुंदर होगा, बस लिटरली गाइस बहुत सुंदर, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अब चलते हैं आपको फिर दिखाते हैं मंदिर अंदर से, बहुत भीड़ हो रही है, आई थिंक आज दर्शन ना हो पाए, केदारनाथ से ज़्यादा भीड़ यहाँ हो रही है आज, बस सांस की तो चलो कोई नहीं। और तो गाइस हिसाब लगाओ, ऑफ सीजन है भी इतनी भीड़ है, ऑफ तो नहीं है भी, खैर ऑन ही है पर इतना नहीं, जब ऑन ज़्यादा सीजन होता तब बताना कितनी भीड़ होती होगी। देखो भीड़ कितनी हो रही है, मंदिर वैसे भी दूर है, वैसे होगा 30-40-50 meters दूर होगा, अभी ज़्यादा ही होगा। अभी हम तो मार्केट में ही थे और मार्केट ही बहुत सुंदर है यहाँ का, ये देखो कितना सुंदर यहाँ का मार्केट है, मतलब बहुत ही सुंदर। अभी मैं जाते हुए आपको घुमाऊंगा पूरा यहाँ पे वीडियो के द्वारा, और इतना मंदिर सुंदर, और देखो ये कुंड है, गर्म कुंड कितना खोल रहा है पानी यहाँ पे इतना, ये देखो गाइस इतनी ठंडी होने के बाद, सर्दी होने के बाद, -degrees के बाद ये कुंड इतना ज़्यादा पानी गर्म है इसका, ये देखो मैं दिखाऊंगा अभी, बट मंदिर इज लुकिंग वेरी गुड एंड सच अ लिटरली बहुत सही मंदिर, एक नंबर। ये देखो 0.5 एंड देन लेट्स गो, बहुत ही सही गाइस। ये देखो गर्म कुंड, धुआं आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ भी प्रॉपर, और उतना बिल्कुल नहीं जा रहा है, हालत बहुत टाइट है, तो गाइस कुंड हेयर इज कुंड, ये देखो जय बद्री विशाल, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए आ रहा है, देखो कैसे खोल रहा है कुंड, गर्म पानी, प्रसाद ले लेते हैं गाइस अब यहाँ से। दर्शन कब तक होंगे भाई, कपाट बंद कर दिया तो कह रहे हैं बंद है भाई, कपाट बंद है, अभी खोल दिया दो लोगों के लिए उन्होंने, अच्छा होंगे उनके पैसे वैसे वाले, गलत है ना बात, ये तो गाइस सच्ची में गलत है कि वीआईपी पूजा जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अंदर फोन नहीं कुछ ऐसा है, देखो मंदिर अंदर कैमरा लगा नहीं, फोन ले लेते हैं तो बिल्कुल, और ऐसे कुछ मंदिर में आपको बैक साइड दिखाता हूँ मंदिर के, अभी मतलब लिटरली गाइस जितने हमने उत्तरायण देव भूमि मंदिर ना, बहुत सुंदर मंदिर है गाइस, बहुत सुंदर है, देखो मतलब शेप सबकी एक जैसी होती है, टोटल इसकी भी केदारनाथ की तरह सिमिलर है, मिलती जुलती है पूरी, बट
really guys, very nice mandir, and here we have temple of Mahalakshmi Mata. But literally guys, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा. ये देखो ऐसे इतना सुंदर अभी लग रहा है, सुबह कितना सुंदर लगेगा, सॉरी सुबह कितना सुंदर लगेगा टेम्पल, नाइट में इतना प्यारा लग रहा है लिटरली यार, मतलब गूज बम्स गाइस, गूज बम्स, रोंगटे खड़े होते ना, सेम गूज बम सेम. जय श्री राम, जय महाकाल, जय विष्णु महाराज. बहुत ही प्यारी फोटो आ रही है, मतलब एक नंबर मंदिर, बहुत ही ज्यादा सुंदर है. देखिए आ जाए ना, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत सही, क्या बात है. भीड़ कुछ मत, भीड़ देखो, भीड़ देखो एक बार, मतलब गाइस मतलब हाँ वर्थ है, इतना रास्ते खराब आए, इतनी कठिनाई झेल के आए, पर वर्थ है. तो गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं, 200-250 फोटो खींच लिए, 200-250 ग्रुप में भी, और स्टोरेज तो वैसे कम था पर कर लिया हमने मैनेज भाई वाले फोन से खींच के. बट लिटरली गाइस जो मंदिर है ना, जितना बोलो जितनी तारीफ उतना कम है, जितना बोलो उतना कम है. कैसा लग रहा दर्शन करके? मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद, अद्भुत. तो अब आप कहाँ चलने की तैयारी? अब चलते हैं रूम पे, मिलते हैं आपको रूम पे. तो गाइस अब चल रहे रूम पे मिलते हैं आपको. दर्शन अच्छे से हो गए थे, सुबह दोबारा कर लेंगे, ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो गया आपको. अब खाना खाते हैं, उसका दूध पियेंगे एक ग्लास, फिर चलेंगे रूम पे, और मार्केट में दिखाऊंगा, चलो आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा. भैया मैं लाइट डाल देना, ठीक है? इसमें नॉर्मल है मीठा, ये दो नॉर्मल कर दो ना पहले, दो नॉर्मल कर दो पहले. तो गाइस दूध पी लेते हैं, थोड़ा दूध पी के गर्म हो जाते हैं, थोड़ा फिर चलेंगे रूम पे. हाँ आंटी दो नॉर्मल है, चार मीठे दे जाएं. तो दूध पीते हैं फिर चलेंगे. तो गाइस आ गए हैं दूध कुल्हड़ में. तो गाइस ये रूम ले रहे हैं हमने, चाय आउट कर जाए, -7 डिग्री भी हो रहा है, ठंडा बहुत है, दाई खा के सो गया था रात को. अब गाड़ी लेके चलते हैं दोबारा टेंपल, आपको दोबारा दर्शन कराते हैं, वहीं नहाएंगे पहले कुंड में, यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, गर्म कुंड आते हैं ना तो वहीं नहाएंगे. देखो आप ये गाड़ियों में देखो कैसे सीट में बर्फ़ जम गई है, ये देखो. सो गाइस कुंड में नहा लिया था हम लोगों ने, बहुत गर्म पानी वहाँ डिग्री में एकदम खोल था. अब दर्शन करने जा रहे हैं दोबारा, अब दर्शन करते हैं आपको, अंदर तो अलाउड नहीं है पर जैसा रहेगा मैं दिखाता हूँ आपको. चलो बद्रीनाथ के दर्शन कराए. आ गए थे हम दर्शन करके अच्छे से, अब चलते हैं हम आपको इस जगह लेके चलेंगे अब, कि आप लोग भी मतलब देख के थोड़ा व्यू देख लो दोस्तों, कितना प्यारा और सामने खड़ा है. और जिस जगह का नाम बता रहा था मैं वो ये है माणा, फर्स्ट इंडियन विलेज, क्या बात है. लास्ट था पर फर्स्ट हो गया था, फर्स्ट विलेज इंडिया की, फर्स्ट विलेज है माणा, भारत का प्रथम गाँव माणा. अभी हम फोटो वगैरह खिंचवाते हैं फिर. तो आप माना के फोटो खिंचाते हैं आराम से. हियर इज विश्व सरस्वती माता मंदिर, देश का नाम माणा, देश का मान माणा, माणा वाला नहीं, दिल्टानी वाला नहीं, दूसरा माणा, इंडियन लास्ट विलेज. चल रहे हैं हम, और नीचे पुल बहुत प्यारा लग रहा है वाला, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है माणा, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, नाम चेंज अभी हुआ है, वैसे थी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, अब इससे नाम चेंज हुआ है, इंडिया की पहली विलेज अब हुई है, पहले थी इंडिया की आखिरी विलेज, रिविलेज विलेज. ये छोटा सा मार्केट यहाँ,
और आर्मी वालों के क्वार्टर्स हैं देखो सारे सारे, बॉर्डर लग जाता है 5 किलोमीटर बाद चाइना का, वहाँ तो अलाउड नहीं है खैर सब किसी को, बट लुक एट दिस। तो भाई यहाँ से बॉर्डर दिखता नहीं है, अभी हम मंदिर चल रहे हैं, आपको मंदिर दिखाऊंगा, अभी बॉर्डर से दिखता नहीं है बिल्कुल भी, मंदिर लेके चलते हैं आपको। समुद्र तल से ऊंचाई 10,133 फीट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, 10,133 फीट लगा लो हाइट फ्रॉम सी लेवल ऑफ माना, तो मतलब ना समुद्र तल से ऊंचाई है जो वो है 10,133 फीट, 10,133 बहुत होती है, तो आपको लेके चलते हैं। फाइनल गाइस पहुँच चुके हम लोग। हम हैं अभी 10,133 फीट ऊपर और बारिश नदी तो हो ही रही है, और कुछ देर लगी है, शरद गर्म से नहाए थे ना कुंड में, तो बट कोई नहीं, जैकेट हम लोग एक लाए थे क्योंकि एक बैग में आता है, तो इसलिए फोटो सारी देखना कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों ने आधी इंस्टाग्राम पे देखी होगी, अभी आधी अपलोड करनी है, तो मंदिर पहुँचने वाले हम लोग, और बहुत ही सुंदर जगह है, पीछे सात वाले सारे आ रहे हैं, और अभी आपको मंदिर चल के दिखाते हैं, बाकी फोटो वगैरह खिंचाएंगे यहाँ पे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर हम, ये देखो एक माता जी की मूर्ति, और ये मंदिर है आगे, माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, और सामने एक बार वाटर लेवल चेक करो कितना तेज है, वाह, और हियर वी हैव अ टेंपल, सामने आ गया टेंपल, अब चलते हैं नीचे। भाई हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, फर्स्ट दुकान ऑफ इंडिया, मींस फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया, देखो अब चल रहे हैं हम भी ऊपर, अपने गिम्बल पता नहीं क्या हुआ, बैग के अंदर रखे रखे चल नहीं रहा है, पता नहीं ठंड की वजह से नहीं चल रहा, शायद ऑफ हो जा रहा है ठंड की वजह से हो रहा होगा शायद, अब देखते हैं, और अब हम चल रहे हैं ऊपर, काफ़ी सही मौसम हो रहा है यहाँ पे, धूप आ गई है ना अब, और देखो वसुधारा जी रास्ता जाने का ये है ट्रैक जो है ना, ये ट्रैक है जो मंदिर का ट्रैक है ना, 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो ये है, और इससे आगे जाते हैं तो बॉर्डर एरिया है, तो मैं भी चल रहा हूँ अभी ऊपर को, जब मैं चलता हूँ ट्रैक देखो यहाँ का भी काम चल रहा है यहाँ पे, अब देखो जहाँ तक गाइस जाया जाएगा ना वहाँ तक जाएंगे, बिकॉज 24 किलोमीटर केदारनाथ, आना जाना 48 हो गया, फिर लोकल थोड़ा बहुत चले मार्केट वगैरह 8-10 किलोमीटर हो गया, तो 60 किलोमीटर होगी, हो गया अब बद्रीनाथ वगैरह पूरा यहाँ घूमे, तो इसलिए अब हिम्मत ही नहीं बची, इसलिए हमने तुंगनाथ भी कैंसिल कर दिया था, तुंगनाथ पीक पे बर्फ बहुत ही ज़्यादा है, अब नाश्ता भी करते हैं वहाँ से, बाकी सांस नहीं आती है, पता नहीं मेरे को कहीं की दिक्कत हो जाती है, सांस नहीं आती, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, रियली डोंट नो। तो गाइस यहाँ पे रुके थे और यहाँ मंगाए थे ब्रेड पकौड़े और समोसे, और ये क्या बोलते हैं चाय, ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और सूप वाली चटनी आ गई बहुत फेमस माणा की, है ना भाई जी, मिर्ची वाली चटनी है, चलो बहुत बढ़िया धन्यवाद, अब खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, पहले टेस्ट करके बता दे चाय कैसी हो रही है यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया। तो कहीं जा पता सामान क्यों महंगा रहता है यहाँ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, सिलेंडर महंगे होते हैं, इनका इनको दूर से इनका सामान आता है इसलिए महंगे होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 30 रुपये का समोसा, 30 का ब्रेड पकौड़ा, 30 रुपये की चाय, इट्स ओके नॉर्मल रेट ही है, इनको महंगा पड़ता है ना इसलिए कहीं ये भी महंगा देते हैं, ये देखो खाते में सही हो रहा, ठंडा हो गया ना।
देखो यो। तो गाइस निकल गए हम यहाँ से, अब आपको मिलते हैं महाड़ा के पास, वहाँ फोटो खिंचवाएंगे। जब फर्स्ट विलेज है ना जहाँ पे उसका बोर्ड है, वहाँ फोटो खिंचाएंगे और आपको नीचे भी कुछ दिखाना है, मैं वो दिखाता हूँ पहले, उसके बाद। जी आप सामने देख रहे हो ना, ये है भीम पुल और अमन भाई इसकी हिस्ट्री बताएंगे। अमन भाई ये क्या हुआ था कि जिस टाइम पे पांडव स्वर्ग की तरफ पे प्रस्थान कर रहे थे, तो उस वजह से ये रास्ता रुक रही थी नदी, तो भीम जी ने ये पत्थर उठा करके यहाँ पे पुल का निर्माण किया था। फिर यहीं से होते हुए पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो गाइस देखो ये है, और इसकी और ज्यादा हिस्ट्री मैं आपको पढ़ के घर जाके बताऊंगा, मेरे को और मेरे को थोड़ा सा पता था वो गलत ना हो जाएगा, इसमें आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और ये मतलब गीता लिख रहे थे और इस नदी का बहुत शोर था, और वेद व्यास जी बता रहे थे, गीता सुना रहे थे उन्हें, और वो लिख रहे थे गीता, और ये नदी बहुत शोर कर रही थी। और वेद व्यास जी ने फिर सरस्वती जी से ये कहा था कि शांत होकर रहो वरना मैं श्राप दे दूंगा इस वजह से, और गाइस वो मानी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने श्राप दे दिया था, इसलिए नदी आगे जाके बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसका पानी गायब हो जाता है, ये पाताल में समा जाती है, और जिसका फिर जो थोड़ा पानी दिखता है वो प्रयागराज में दिखता है, ठीक है, संगम है वहाँ पे दिखती है ये नदी ना, इसके बाद गायब हो जाती है, यहाँ थोड़ी दिखती है इसके बाद ये गायब हो जाती है। इस देखो कितना शोर करती है नदी, देखो जो श्राप दिया था ना, तो वो ये श्राप दिया था कि तुम शांत हो जाओ वरना मैं श्राप दे दूंगा, तो वो नहीं हुई थी, इसलिए नदी आगे जाके ना पाताल में समा जाती है। देखो कितनी तेज आवाज आ रही है, और इतना तेज प्रेशर नहीं है, फ्लो नहीं है, इतनी तेज आवाज आती है। यहाँ पे गीता लिख रहे थे ना, गीता सुना रहे थे जब तब, बाकी मैं इसकी हिस्ट्री आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, मेरे को भी थोड़ा इतना नॉलेज है नहीं इसका भी इस बारे में, इसलिए निकल गए नीचे के लिए। तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, फ़ोन भी थोड़ा कम चार्ज है, अब आपको मिलते हैं सीधा नीचे जोशीबट पे। तो भाई यहाँ से ऋषिकेश है ऐसी 292 किलोमीटर, चमोली यहाँ से 86 और हरिद्वार 312। अभी चमोली यहाँ से 86 किलोमीटर, NH7, NH मतलब गाइस नेशनल हाईवे, ऑल वेदर रोड।